नगर परिषद बूंदी में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक शुक्रवार से लापता है। लिपिक के आयुक्त पर परेशान किए जाने का इल्जाम लगाते हुए एक सुसाइड नोट भी लिखा है। उन्होंने सुसाइड नोट में घर वालों से भी परेशान होने की बात लिखी है और इसी के साथ नगर परिषद के आयुक्त से परेशान होकर घर छोड़ने की बात भी लिखी गई है। सुसाइड नोट को लेकर परिवारजन भी चिंतित है और पत्नी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्य का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कमल खटाना जब तक सकुशल वापस नहीं लौटते वो कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। नगर पालिका फेडरेशन के अध्यक्ष कमल खटाना ने एक सुसाइड नोट लिखकर आयुक्त पर प्रताड़ित किए जाने का इल्जाम लगाया। ये भी बता दें कि नगर परिषद बूंदी में पिछले सप्ताह प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे बनाने को लेकर पार्षदों और कर्मचारियों के बीच में बदसलूकी हो गई थी और उसी दौरान सभी कर्मचारियों ने अवकाश लेकर हड़ताल की थी और पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद कमल खट्टाना बीमार हुए, काम पर नहीं आए और शुक्रवार से ही लापता हैं। तो संदीप व्यास हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, आज हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार कमल खट्टाना गए तो गए कहाँ, लापता हैं क्या, खुद कहीं चले गए या फिर कोई और शक जाहिर किया गया है? सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पिछले 72 घंटे से कमल खट्टाना लापता है। परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं जो उन्होंने लेटर में जो आरोप लगाए हैं आयुक्त और जनप्रतिनिधियों पर कि वो उनसे इलीगल काम करवाते थे और उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे, अभी पुलिस तो कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस यही कह रही कि तलाश कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है और उसके अलावा जो परिजन है वो चिंता में है, उनको कहीं ना कहीं से उनके सकुशल घर लौटने की आशा बनी हुई है, लेकिन अफवाहों का दौर जारी है और शहर में ये जो कमल खटाना लापता हुआ है ये काफी चर्चित मामला हो गया है। नगर परिषद में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि वहाँ कर्मचारी काम करने की किसी भी कंडीशन में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कमल खटाना वापस नहीं आ जाते वो कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। ठीक है संदीप, फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा इस खबर के साथ, कोई अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।